हेलो दोस्तों कैसे हो आप आपसे वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी मैं हूं प्रकाश बार की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है ग्रुप सी पोस्ट में यह वैकेंसी निकली हुई है स्टेनोग्राफर वर्क असिस्टेंट एंड ड्राइवर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है आइए जानते हैं अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी एज लिमिट क्या रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न क्या है एंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक देखना लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी के अंडर आती है तो इसमें वैकेंसी निकली हुई है एंड सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग होगी कालापक्कम तारापुर एंड मुंबई यही तीनों लोकेशंस हैं यही तीन लोकेशंस में किसी एक लोकेशन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट थर्टी जुलाई रहेगी सबसे सब पहली वैकेंसी निकली है, स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री के लिए ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है इसमें टोटल सिक्स वैकेंसी निकली हुई है अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने क्लास टेंथ पास किया हुआ है तो आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं साथ ही साथ आपकी स्टेनोग्राफी यानी कि इंग्लिश स्टेनोग्राफी की मिनिमम स्पीड एट्टी वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको टाइपिंग स्पीड आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में थर्टी वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए यह टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर में चेक की जाएगी अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 इयर्स है एंड मैक्सिमम 27 इयर्स है लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा सैलरी की बात करें तो सिलेक्शन के बाद आपको लेवल फोर का पे स्केल मिलता है बेसिक पे 25,500 रहती है यानी कि सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी थर्टी टू फोर्टी बनेगी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ टोटल दो लेवल्स में टू लेवल्स में आपका सिलेक्शन होगा सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा एक घंटे का एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश जनरल नॉलेज जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मार्किंग स्कीम थ्री मार्क्स आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा हर आंसर के लिए एंड यहाँ वन मार्क्स नेगेटिव आंसर के लिए भी काटा जाएगा लेवल वन क्लियर करने के बाद आपको लेवल टू के लिए कॉल किया जाएगा जिसमें आपको स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट देना होगा मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड लेवल वन के लिए फिफ्टी परसेंट है मिनिमम आपको स्कोर करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो एंड बाकी कैंडिडेट्स को मिनिमम फोर्टी परसेंट स्कोर करना होगा और फाइनल सिलेक्शन लेवल वन एंड लेवल टू दोनों के मार्क्स के बेसिस पे की जाएगी अगली वैकेंसी निकली हुई है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की ये भी ग्रुप सी गैजेटेड पोस्ट है नॉन गैजेटेड पोस्ट है टोटल एलेवन वैकेंसी निकली हुई है क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने टेंथ पास किया हुआ है और साथ ही साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट एंड व्हीकल हेवी व्हीकल्स के लिए तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो साथ ही साथ आपके पास आपको नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज़म की एंड आपको जो माइनर डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं व्हीकल्स की उसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कैसे उसे सही करना है ये सब साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में लाइट व्हीकल्स की मिनिमम थ्री ईयर्स के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड हेवी व्हीकल्स की एटलीस्ट सिक्स ईयर्स की एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे अप्लाई करने की मिनिमम एज एटीन ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 सेवन ईयर्स है और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपको लेवल टू का pay scale basic पे स्केल मिलेगा बेसिक पे 19,900 रहेगी यानी कि ज्वाइनिंग के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 30,000 के अप्रॉक्स बनेगी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ दो लेवल में आपका एग्जाम होगा लेवल वन एक घंटे का एग्जाम होगा जिसमें जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज अरिथमेटिक एंड मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मार्किंग इसकी वही रहेगी थ्री मार्क्स आपको हर करेक्ट आंसर के लिए दिए जाएंगे एंड वन मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आप कोई इनकरेक्ट आंसर करते हो लेवल वन क्लियर करने के बाद आपको लेवल टू ड्राइविंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा इसमें भी मेन और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड आपको लेवल वन में स्कोर करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 50 परसेंट मिनिमम स्कोर करना होगा एंड बाकी कैंडिडेट्स को 40 परसेंट मिनिमम मार्क्स स्कोर करना होगा और फाइनल सिलेक्शन लेवल वन एंड लेवल टू के मार्क्स के बेसिस पे होगी नेचर ऑफ़ ड्यूटी क्या रहेगी यानी कि आपकी वर्क प्रोफाइल रहेगी काम क्या करना होगा तो आपको लाइट या हीवी व्हीकल ड्राइव करना होगा साथ ही साथ जो माइनर रिपेयर वर्कस वगैरह होते हैं व्हीकल्स के वो आपको करना होगा और यहाँ पे शिफ्ट ड्यूटी रहेगी राउंड द क्लॉक शिफ्ट ड्यूटी भी आपको परफॉर्म करनी होगी अगली वैकेंसी निकली हुई है वर्क असिस्टेंट ए की ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है वैकेंसीज़ की बात करूँ तो टोटल तो सेवेंटी तो टू तो 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 वैकेंसीज यहाँ निकली हुई है अगर आपने क्लास टेंथ पास किया हुआ है यानी कि एस एस सी पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 सेवन ईयर्यर्यस है अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलेक्शन मिलेगा सैलरी की बात करूँ तो यहाँ आपको लेवल वन का पे स्केल मिलेगा आपकी बेसिक पे एटीन रहेगी यानी कि सिलेक्शन के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी ट्वेंटी टू थर्टी बनेगी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल दो लेवल में आपका एग्ज़ाम होगा सबसे पहले आपको एक प्रिलिमिनरी टेस्ट देना होगा यानी कि लेवल वन प्रम्स देना होगा जिसमें वन आवर का आपका एग्ज़ाम होगा ट्वेंटी क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे ट्वेंटी क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे एंड टेन क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे हर करेक्ट आंसर के लिए आपको थ्री मार्क्स मिलेगा एंड हर रॉन्ग आंसर के लिए वन मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा लेवल वन क्लियर करने के बाद आपको लेवल टू एडवांस टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा जिसमें टोटल टू आवर्स का आपका एग्जाम होगा मैथमेटिक्स से फिफ्टीन क्वेश्चन पूछाएंगे साइंस से फिफ्टी क्वेश्चन पूछाएंगे जनरल अवेयरनेस के टेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड बेसिक इंग्लिश से टेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन लेवल टू में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे होगी यानी कि लेवल वन केवल क्वालिफाइंग नेचर का है एंड फाइनल सिलेक्शन लेवल टू यानी कि एडवांस एड़, एडवांस टेस्ट में जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे ही होगी जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो कॉस्मेटिक मेंटेनेंस ऑफ लैबोरेटरीज वगैरह की मेंटेनेंस आपको करनी होगी ऑफिस बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस करनी होगी सराउंडिंग एरियाज इंक्लूडिंग टॉयलेट्स प्रोवाइडिंग क्लीन नीट एंड हाइजीनिक एम्बियंस इन द एरिया ये सब काम आपको करना होगा साथ ही साथ क्लीनिंग एंड डीकॉन्टेमिनेशन ऑफ प्लांट्स मशीनरी असिस्टेंस इन प्लांट्स वर्कशॉप स्टोर एंड अदर यूटिलिटी एरिया द ड्यूटी मे ऑल्सो इन्वॉल्व वर्किंग इन राउंड द क्लॉक यानी कि शिफ्ट में भी आपको ड्यूटी करनी होगी साथ ही साथ ड्यूटीज इंक्लूडिंग डेवलपिंग द गार्डन्स यानी कि जो गार्डनिंग वगैरह का काम होता है वो भी आपको करना होगा वाटरिंग प्लांट्स दैन वीडिंग मूविंग मैनिंग यानी कि जो पूरा गार्डनिंग का जो वर्क रहता है वो सब भी आपको करना पड़ सकता है और उसके अलावा मिसलिनियस ऑफिस वर्कस जो रहते हैं वो सब आपको करना पड़ सकता है यानी कि जो मल्टी टास्किंग स्टाफ की जो प्रोफाइल रहती है वैसा ही आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा आपसे कोई भी काम कराया जा सकता है एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा एंड अप्लाई करने के लिए आपको वन हंड्रेड रुपीज़ अपलीकेशन फी पे करना होगा लेकिन अगर आप एस सी एस टी पी डब्लू डी वोमेन या एक सर्विस मैन हो तो आपको कोई अपलीकेशन फीस पे नहीं करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फर्स्ट जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी अप्लाई करने की लास्ट डेट थर्टी फर्स्ट जुलाई रहेगी एंड अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आप इस लिंक में विजिट कर सकते हो तो दोस्तों ये थी बार्क नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन की पी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है एंड अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप वहाँ जाके देख सकते हो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो एंड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट जुलाई से स्टार्ट होगी तो आपको देखना है फर्स्ट जुलाई से थर्टी फर्स्ट जुलाई के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो को लाइक जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना थैंक यू